माय चैनल फूडी गर्ल ईशा। सो दोस्तों, आज मैं मेरे हस्बैंड एंड मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ फन एंड फूड वाटर पार्क। जैसा कि मेरी जो है आज ऑफिस की है छुट्टी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी, तो हमने सोचा क्यों ना हम जाए वाटर पार्क, क्योंकि फन एंड फूड वाटर पार्क जो है ना दिल्ली NCR का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। यहाँ की क्या टाइमिंग होने वाली है, यहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है और यहाँ की जो टिकट प्राइस होगी, टिकट में फूड इंक्लूड है या नहीं है, वो फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन, हम सबका कर रहे हैं वेट और वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा, फुल डिटेल आपको वीडियो में मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। दो लोग तो यहाँ पे रेडी खड़े हुए हैं। हाय। और ये मेरे हस्बैंड है, आप सभी लोग इनको जानते हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है। आपके चैनल का नाम क्या है? संदीप ईशा व्लॉग्स। तो आप इनके चैनल को जाकर के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम सभी लोग पहुंच चुके हैं द्वारका सेक्टर 21, क्योंकि अगर आप सभी को भी फन एंड फूड वाटर पार्क आना है तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा द्वारका 21। तो जैसे ही आप यहाँ से एक्सिट होंगे तो सामने आपको ऑटो वाले भैया मिल जाएंगे जो आपसे लेंगे। पर पर्सन के अकॉर्डिंग इनका कोई ऐसे चार्ज नहीं होता। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो एक ऑटो में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बैठेंगे। वैसे तो ये आपसे 200 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़ मांगेंगे, बट 3 लोगों के सिर्फ और सिर्फ आपको देने इनको 100 रुपीज़, आपको इनसे रेट लगवाना पड़ेगा। तो अब हम सभी लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। फाइनली आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं फन एंड फूड वाटर पार्क। गेट नंबर 1 से हमारी एंट्री होने वाली है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फन एंड फूड वाटर पार्क, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए और बाकी की डिटेल जो है वो आपको आगे मिल जाएगी, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 2-व्हीलर या 4-व्हीलर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे उनके पार्किंग चार्जेस भी मेंशन है। यहाँ पे आपको पार्किंग की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आने वाले हैं। सो अब हम चलते हैं आपको लेकर के टिकट काउंटर पे। तो अभी स्क्रीन पे मैं आपको टिकट के प्राइसेस दिखा दूंगी कि सिंगल के लिए क्या प्राइस होने वाला है, कपल्स के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, और आगे की जो भी और भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको वीडियो में साथ के साथ देती चलूँगी। और यहाँ की जो टाइमिंग होने वाली है, यहाँ की टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे 11 बजे से 6 बजे तक, और संडे को यहाँ की जो टाइमिंग है 11 से 7 बजे तक की टाइमिंग है। बाकी की डिटेल आपको आगे मिल जाएगी। बोलिए। ये टिकट के अलावा हम पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, बैंड की सिक्योरिटी होती है, पर बैंड 200 रुपए सिक्योरिटी होता है। इसमें लॉकर एंड कॉस्ट्यूम का अलग से चार्जेस होता है, वो आपको अंदर पेमेंट करना है। फूड हमारा फ्री होता है, उसकी टाइमिंग होती है 12 बजे से 5 बजे तक होता है, अनलिमिटेड होता है। थैंक यू। दोस्तों, फाइनली हमको हमारा बैंड मिल चुका है। जब हम इनको बैंड ये वापस करेंगे तो हमने जो यहाँ पे 200 रुपीज़ पे करी है सिक्योरिटी, वो हमें रिटर्न हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है एंट्री हो चुकी है। कुछ इस तरीके से स्कैन किया जाता है बैंड को, उसके बाद जो आपका इस तरीके से वेलकम किया जाएगा। और वेलकम करने के बाद जैसे आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्री सेवा, यानी आपको गर्मा गर्म सर्व किए जाएंगे समोसे लाल चटनी और ग्रीन चटनी के साथ। इसका कोई अलग से चार्ज आपको पे नहीं करना है। जो भी आपको टिकट प्राइस मिला है सभी खाने की चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड है। बाकी डिटेल में जो है आपको मैं आगे बताने वाली हूँ, सो इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये यहाँ के वॉशरूम है, ये यहाँ पे लॉकर्स हैं, और बाकी की जो डिटेल है फ़ोन कवर वगैरह जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप देख रहे हैं ये आपका कॉस्ट्यूम काउंटर है, यहाँ से आपको इजीली कॉस्ट्यूम मिल जाएंगे। टिकट प्राइसेस वैसे तो मैंने मेंशन कर दिए थे, बाकी फुल डिटेल में वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये यहाँ के चार्जेस जो आपको कॉस्ट्यूम यहाँ से लेना है रेंट पर, कॉस्ट्यूम का रेंट आपको अलग से देना होगा और उस कॉस्ट्यूम की सिक्योरिटी भी आपको अलग से वहाँ जमा करनी होगी। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके लॉकर का बैंड। पहले क्या होता था, की मिलती थी, बट अब की इन्होंने बंद कर दी है। अब इन्होंने क्या कर दिया, बैंड देने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपके कॉस्ट्यूम और लॉकर के रेंट प्लस लॉकर की क्या सिक्योरिटी है वो सब आपको यहाँ पे फुल डिटेल में मैंने स्क्रीन पर शो कर ही दिया है। बाकी कोई भी इंक्वायरी है उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो चलिए अब हम चलते हैं आप सभी के साथ लॉकर रूम दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो लॉकर रूम है किस तरीके का है और अंदर कितना स्पेस होता है। इसको आप ऐसे खोल सकते हैं, देखो लॉक लॉक करना है, ये हो गया लॉक, अब ये नहीं खुलेगा आपका। अब इसमें आप ये बैंड लगाएंगे, देखो अंदर दिखाइए, बैंड लगाएंगे करके लाइट जलेगी, ये ब्लू ये अनलॉक हो गया, ऑटोमेटिक लॉकर से यहाँ पे काफ़ी सिक्योर है। दोस्तों, अब चलती हूँ मैं आप सभी के साथ इस वाटर पार्क का थोड़ा सा टूर कराने के लिए कि यहाँ पे किस तरीके की राइड्स ऐड हो चुकी हैं और यहाँ पे कितना मज़ा आने वाला है।
सभी को। जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के सेल्फी पॉइंट नज़र आएंगे। यहाँ पे आप खड़े होकर बच्चों के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। प्लस सबसे पहले जो यहाँ पे छोटा सा वाटर पार्क आता है, ये छोटे बच्चों के लिए, वैसे तो इसमें छोटे बच्चे कम बड़े लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जो कि आपको आगे वीडियो में दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रील्स बनाने के लिए चार्जेस पे करना होगा, पर रील के एंड पर पर्सन के आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ पे करने होंगे। सो गाइज, अब मैं आप सभी को लेके चलती हूँ वेव पूल में, जो कि है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को वो एरिया दिखाते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे हर तरीके के लोग इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी राइड दी हुई हैं, स्पेशली जो दी गई हैं छोटे बच्चों के लिए दी गई हैं, और ये जो बकेट होती है यानी पानी वाली बकेट, इसका भी इंजॉय आप इस एरिया में कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके जाऊंगी वेव पूल में, जिसका इंतज़ार हर कोई करते हैं, क्योंकि वेव्स जो है हर एक घंटे बाद आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। और इस वेव पूल में जो है ना, हर तरीके के लोग इंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, और बड़े बच्चे भी इंजॉय यहाँ पे करते ही हैं। और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है स्पेशली इस बाल्टी का भरने का वेट करते हैं कि कब ये बाल्टी भरे और कब हम यहाँ पर आकर के इंजॉय कीजिए। तो आप देख सकते हैं ऐसी थीम यानी इस तरीके का वाटर पार्क ना आपको दिल्ली NCR में इतने कम टिकट प्राइसेस में कहीं भी नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस वाटर पार्क में, जो कि है फन एंड फूड वाटर पार्क। इसका फुल एड्रेस एंड फुल टाइमिंग एंड फुल टिकट के प्राइसेस सब डिटेल आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और आपको मैं बिल्कुल टॉप पे आ चुकी हूँ, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी राइड्स लेते हैं, ऊपर से भी आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगी लेजी पूल में। दोस्तों अब मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो एरिया जहाँ पे छोटे बच्चे भी एंजॉय करते हैं, और उसका नेम है लेजी पूल। तो अब तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं वाटर पार्क में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं भी राइड इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमें मीटिंग्स में जाना है। दिखाने वाली हूँ, किसी भी वाटर पार्क में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी टिकट प्राइजेस के अंदर। आप एक टिकट प्राइजेस के अंदर यहाँ पे आपको कितनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं वो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। ये वेज बिरयानी है। ओके नमस्ते, दाल मखनी। ओके और ये है मिक्स वेज, सब्ज बंजारा एंड मिक्स वेज। अच्छा, सब्ज बंजारा एंड मिक्स वेज। और ये है शाही पनीर। इसमें आप पनीर की क्वांटिटी देख सकते हैं गाइस, कितनी भर भर के इन्होंने पनीर की क्वांटिटी डाली है। और ये है अमृतसरी आलू, बढ़िया आलू। ये अमृतसरी बढ़िया आलू है गाइस, आप देख सकते हैं इसकी रंगत। और ये है मलाई कोफ्ता। तो आप मलाई कोफ्ता देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी अच्छी है इसमें, कोफ्तों की ऐसा नहीं है कि क्रीम क्रीम है। और नेक्स्ट है गट्टे की सब्जी। कड़ी पकौड़ा सबका फेवरेट होता है बहुत ज़्यादा।
और जितना भी खाना है सारा का सारा गरम गरम है, ऐसा नहीं कि ठंडा है। स्वीट में यहाँ पे मिल जाएंगे गुलाब जामुन, और नेक्स्ट है आपकी खीर, राइस खीर होने वाली है, और नेक्स्ट होने वाला है हमारा फ्रूट कस्टर्ड। गाइस देख सकते हैं मेरी सिस्टर को किस तरीके से अपने प्लेट में इनने क्या लिया, बर्गर और चाउमीन। खा के पता कैसा है, हक्का नूडल्स हैं ये, वेज नूडल्स, हक्का नूडल्स, वेज हक्का नूडल्स। और नूडल्स के साथ आपको यहाँ पे सर्व किए जाएंगे वेज मंचूरियन, और उसके बाद है वेज फ्राइड राइस। नेक्स्ट आइटम है सांभर, तो यहाँ पे आपको चाइनीज़ के साथ साथ मिल जाएगा साउथ इंडियन भी, और आप देख सकते हैं गर्म या ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, और उसके साथ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे वड़े, मेंदू वड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मा गर्म इडली भी बन रही है, स्टीम हो रही है इडली, और यहाँ पे आपको टमाटर की चटनी एंड कोकोनट चटनी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपका रेड सॉस पास्ता, और यहाँ पे है बर्गर, बर्गर या पाव भाजी, बर्गर भी है और पाव भाजी भी, तो ये वाला बर्गर है। ओके ओके ओके, तो बर्गर आपको इस तरीके से मतलब उनको मैकडी वाला बर्गर लग रहा है ये, और यहाँ पे गर्मा गर्म पाव भाजी बन रही है, और यहाँ पे पाव को गर्म किए हैं, और ये बर्गर की टिक्की है। ओके ओके, और यहाँ पे क्या है, छोले कुलचे हैं यहाँ पे, तो आपको इस काउंटर पे मिल जाएंगे छोले कुलचे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे टिक्की है, और यहाँ पे है भल्ले पापड़ी, ये दही भल्ले, दही पापड़ी, दही पापड़ी, ये टिक्की है, ये तीनों आइटम अलग अलग होने वाले हैं। और ये आटे वाले गोलगप्पे हैं, ये आटे वाले गोलगप्पे, और ये कौन से, दही सेव पूरी है, दही पूरी है, ये दही पूरी है, और ये सूजी वाले हैं। ओके मैम, खा रहे हैं गोलगप्पे, तो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड यहाँ पे खा रहे हैं गोलगप्पे, तो यहाँ पे इन्होंने लिया मीठा वाला पानी, और इन्होंने लिया है खट्टा वाला पानी। टेस्ट बताइए खा के आप दोनों, बढ़िया है। तो यहाँ पे ना आपको सूजी वाले गोलगप्पे भी मिल जाएंगे, और दूसरे वाले जो गोलगप्पे होते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बड़ों के लिए तो अलग अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे सिटिंग के लिए, बट यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी आप देख सकते हैं सिटिंग एरिया अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे। फ्रूट कस्टर्ड जलजीरा इनका है, खाने का रिव्यू बताइए कैसा बना यहाँ का खाना, बढ़िया है। और आपको यहाँ का खाना कैसा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग क्या चेंजेस लगे, और आइटम्स भी काफी सारी इन्होंने, और यहाँ की जो राइड्स वगैरह लेके कैसा लगा, राइड देख रहे हैं इसका नेम है मल्टी रेसर है, जिसमें तीन लेयर है और पूरी रैम्बो लेयर है, और इसमें से जो है ना आप देख सकते हैं अभी गए हैं काफ़ी सारे लोग, और अभी आएंगे ऊपर से। वाटर पार्क से वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम सब ने कर लिया है बहुत ज़्यादा इन्जॉय, और शाम भी हो चुकी है, आई थिंक 6 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, अब हम यहाँ से जाएंगे। और आई थिंक आप लोगों को वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर नहीं मिली है कुछ भी आपके डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट होंगे मैं आपको रिप्लाई दे के क्लियर कर दूँगी। और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और
पहले के अकॉर्डिंग रब के अकॉर्डिंग वाटर पार्क में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, यहाँ की फूड में, यहाँ की एक्टिविटीज़ में, यहाँ की राइड्स में। जो राइड्स आपने यहाँ पे देखी है ना, वैसी राइड्स आपको पूरे दिल्ली NCR में कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप भी यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो जल्दी आइए, इन्जॉय कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स बच्चों के साथ भी आप आ सकते हैं। पहले के अकॉर्डिंग यहाँ के टिकट प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। सो बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय। और राधिका, तो कैसा लग रहा है गंगा जी से आकर के बाय एयर? मैं गंगा जी नहीं गई थी, मैं फन एंड फूड वाटर पार्क गई थी। सो अभी जो है हम मेट्रो स्टेशन पे, आप देख सकते हैं जो एयरपोर्ट लाइन वाला मेट्रो स्टेशन है उस पर अभी हम हैं। Thank you.